नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिवड़ा नमकीन। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिवड़ा, मखाने, बादाम, काजू, मूंगफली के दाने, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। सबसे पहले हम तेल को गर्म करते हैं और तेल धुआं निकलने तक गर्म करना है। और अब हम इसमें डालेंगे चिवड़ा और इसे हल्का सा ब्राउन होने देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस डालना है और फूल जाने तक। जब चिवड़ा पक जाते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और एक पेपर पे इसे फैलाते हैं। पेपर पे इसे अच्छे तरह से फैला देते हैं ताकि इसमें का ऑयल पेपर सोख लें। इसी तरह हम और चिवड़ा को तलेंगे और पेपर पे फैला देंगे। अब हम एक एक करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को तलेंगे। मूंगफली के दाने को तल लेते हैं और इसे ब्राउन होने तक तलना है, इसे कुछ देर तक तलना ही है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसे भी हम पहले तो पेपर पे फैला लेते हैं ताकि इसमें का भी ऑयल पेपर सोख ले। अब हम इसमें मखाने डालेंगे ऑयल में, और मखानों को बहुत देर तक नहीं तलना है, इसे बस डालिए और हल्का सा ब्राउन हो जाए तभी निकाल लीजिए। और इसे भी पेपर पे फैला देते हैं, सारी चीज़ों को फैला के रखें ताकि इसमें हवा भी लगती रहे थोड़ी थोड़ी करके, और ये ठंडा होता रहे और इसमें का ऑयल पेपर सोखता रहे। अब हम काजू तलेंगे और काजू को ब्राउन होने तक तलना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन होने तक तलना है। इसे भी हम फैला देते हैं। अब हम लास्ट में तलेंगे बादाम। बादाम को रेड होने तक तलना है, और ऑयल थोड़ा गंदा लग रहा है इसलिए, तो गंदा नहीं है ये चिवड़ा डालने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हम बादाम तल लिए हैं, बादाम भी हम इसके साथ डाल देते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में निकालते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। और हम इसमें डालेंगे नमक। एक एक करके हम सारे मसाले डालते हैं इसमें। नमक डाल दिया हमने, और हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और चाट मसाला भी डालेंगे, जीरा पाउडर। और सारे मसालों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि चिवड़ा टूटे ना। और इसे आप चाय के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी है, एक बेहतर स्नैक्स है आपका, जिसे चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।